कई बार ऐसा लोग बोलते थे कि दुष्यंत यार तुम इतनी पढ़ाई कर रहे हो, इतने सेक्रीफाइस करते हो, इतनी लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो, अगर मान लो CS नहीं बन पाए तो क्या करोगे? और सवाल बहुत जेन्युइन जेन्युइन था, क्योंकि हम जो थे वो एवरेज स्टूडेंट थे, और लोगों का कहना भी सही था कि यार कोर्स बहुत डिफिकल्ट है, कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। साला पूरे साल भर पढ़ाई की, एग्ज़ाम के 4 दिन पहले तबीयत ख़राब हो गई, पूरे साल भर पढ़ाई की बट एग्ज़ाम आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया। तो दुष्यंत यार अगर फेल हो गए, अगर नहीं रिजल्ट आया तो क्या करोगे? और उस समय मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता था कि यार सच में इतनी मेहनत की है, इतनी सेक्रीफाइस की अपनी जवानी, जहाँ पे जो जो दोबारा आनी नहीं है, जवानी जो आना नहीं है, जवानी नहीं है दोबारा, वो भी बर्बाद हो जाएगी यार। ज़िंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड होता है 18 से 24 साल किसी भी लड़के या लड़की के लिए, तो वो पीरियड भी चला जाएगा और कुछ हाथ में भी नहीं आया, तो बड़ा डर लगता था। तो बच्चों फिर अल्टीमेटली 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 मैंने एक निश्चय किया यार कि ऐसा तो नहीं है यार कि नरेंद्र मोदी, मतलब उस समय जो भी प्रधानमंत्री थे भारत के, वो CS हैं। कांग्रेस का ही काल था, मेरी मोहल्ले में जो सबसे अमीर इंसान है वो CS, ऐसा भी नहीं है। जो हमारे यहाँ के MLA हैं, MP हैं, वो भी CS नहीं है। मुकेश अंबानी भी CS नहीं है। जो मेरे रोल मॉडल है वो भी CS नहीं है। जिस बंदी को मैं पसंद करता हूँ वो भी CS नहीं है। CS नहीं भी बना तो जीवन तो ख़त्म नहीं होने वाला, जीवन चलता रहेगा। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो कुछ ना कुछ करके जीवन तो निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा। बट अगर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो जब तक डिफीट को, जब तक हार को स्वीकार ना कर लिया जाए, तब तक तो हार नहीं है, ये भी आपको पता है। और मनुष्य का काम क्या है? मनुष्य का काम कर्म करते रहना है बच्चों। रिजल्ट, बच्चों हमारे और भगवान में यही तो डिफरेंस है कि हमारे कंट्रोल में रिजल्ट नहीं है, हमारे वश में है मेहनत करना, मेहनत करना, अपनी जान लगा देना, संघर्ष करना, अनुशासन का पालन करना, त्याग करना, पुरुषार्थ देना, सब कुछ करना हमारे कंट्रोल में है। बट अल्टीमेटली जो मेहनत हमने की है, जो एफर्ट्स हमने लिए हैं, उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये हमारे वश में नहीं है। अगर होता तो शायद हम भी भगवान हो जाते, खुदा हो जाते, क्राइस्ट हो जाते। तो मैं उन सारे बच्चों को बताना चाहूँगा, बच्चों रिजल्ट का जो दिन है, टेक इट एज अ नॉर्मल डे। आपके मन में डर है कि यार मैं फेल हो गया, जो पास होंगे डेफिनेटली उन सबको बधाई, बट जो फेल हो गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। और इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, बिकॉज़ आपके जो सर हैं दुष्यंत सर, एकदम स्मार्ट सर, हैंडसम सर, गोरे गोरे सर, दुष्यंत सर भी बच्चों फेल हुए हैं। आई नो द पेन ऑफ फेलियर, लेकिन मेरा यकीन मानिए उस फेलियर के चलते मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। आज मैं आपके सामने बैठ के आपको शायद ये मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मैं फेल हुआ था। फेल होने के बाद मैंने लिस्ट बनाई। तो अगर कल की तारीख में आप फेल होते हैं, पास होते हैं तो पार्टी कीजिएगा, अगर फेल होते हैं तो बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा। लिस्ट बनाइए, जस्ट टेक डाउन, जस्ट राइट डाउन कि आपके क्या क्या कमी रह गई, उन कमियों पर काम करना शुरू कीजिए। और बच्चों लाइफ रुकनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि फेल हो गए तो दुनिया ख़त्म हो गई, दुनिया चलती रहेगी, लाइफ चलती रहेगी, और ज़्यादा लफड़े नहीं है। 3 महीने के बाद ही एग्ज़ाम है, और आज ICSI की साइड से अमेंडमेंट्स आ गए, तुच्छ अमेंडमेंट है, ना के बराबर अमेंडमेंट है। सिर्फ SBC में एक निधि कंपनी का अमेंडमेंट मेजर है, और SEBI में भी ऐसे कुछ खास चेंज नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो बुक्स है, आपके जो अमेंडमेंट बुक्स हैं, वो सारी बुक एज इट इज़ चलेगी, देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई नई बुक आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बस कोशिश करते रहिएगा, लिस्ट बनाइएगा कि कहाँ फेल हो गए, और टेक इट ईजी गाइस, आराम से सब कुछ। मेहनत की, रिजल्ट नहीं आया, फिर से स्टार्ट कर लेंगे। सर मैंने तो मेहनत भी नहीं भी की थी, फिर भी मैं रिजल्ट की उम्मीद कर रहा हूँ, तो जहर खा के पहले सुसाइड करो। मजाक कर रहा हूँ, सच में मत कर लेना। सो मेहनत नहीं की थी और फिर भी नर्वस हो रहे, तो क्या प्रॉब्लम? नर्वस उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने मेहनत की थी, अगर उनको, और उनको भी मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। रिजल्ट नेगेटिव आते हैं, कमियाँ बताना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, उस पर काम करना, शायद किस्मत ने साथ ना दिया हो, और मेहनत करना बच्चों। बट लाइफ रुकनी नहीं चाहिए, लाइफ चलती रहेगी, ज़िंदगी रुकती नहीं है बच्चों किसी के लिए। आपके लाइफ में जितना किस्मत में अमीर बनना लिखा है आप बनेंगे बच्चों, इट्स विद CS विदाउट CS, बट चूंकि हम स्टूडेंट हैं, हमारा काम है पढ़ाई करना, अपने माता पिता की कामनाओं को पूरा करना। तो पढ़ाई जब तक कर रहे हो शिद्दत से करो, अपना रक्त का एक एक कण और वक्त का एक एक क्षण अपने करियर में लगा देना बच्चों, कुछ भी रिजल्ट हो। और हार नहीं मानना बच्चों, अपन योद्धा हैं, योद्धा कभी हार नहीं मानता बच्चों। परिस्थितियां विपरीत होती हैं बट हम हार नहीं मानेंगे, लगे रहेंगे। लव यू सो मच।